आज हम पढ़ रहे हैं हार्ट के बारे में। हार्ट इट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन पंप ब्लड टू वेरियस बॉडी पार्ट। हार्ट ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है और ये ब्लड को पंप करता है और उसे सर्कुलेट करता है वेरियस बॉडी पार्ट में। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो मसल से बना हुआ अंदर से पोकर, इसलिए उसको हॉलो मस्कुलर ऑर्गन बोला है। अगर हम इसका वजन देखते हैं तो इट इज अबाउट 300 ग्राम इन मेल एंड 250 ग्राम इन फीमेल। अगर हम इसका वेट देखते हैं तो ये 300 ग्राम हो सकता है मेल में और 250 ग्राम हो सकता है फीमेल में। अगर हम इसका साइज़ देखते हैं तो इसका साइज़ हो सकता है बच्चों हमारे एक मुट्ठी के हिस्से बराबर। अगर हमारे बॉडी में अगर हम हार्ट का साइज चेक करें तो जो ह्यूमन बींग होते हैं जिसके हाथ की मुट्ठी जिस साइज की बनती है करीब करीब उसी साइज का हार्ट उसके बॉडी में होता है। तो ये हो गया हमारे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अबाउट हार्ट। ठीक है, अब हार्ट के बारे में और एक बात बता देता हूँ कि जो हमारा हार्ट होता है ये ऐसे मसल से बना होता है जो मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाई जाती है, उस मसल्स का नाम है कार्डियक मसल्स। उस मसल्स का नाम है कार्डियक मसल्स। ये हमारे चेस्ट के बीचों बीच होता है बिटवीन द टू लंग्स। इसका लोकेशन क्या होता है? ये हमारे दोनों लंग्स के बीचों बीच होता है लेकिन स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मुंह हुआ रहता है। और हाँ, ये जो हमारा हार्ट है इसका ऊपर का जो है वो थोड़ा बॉर्डर साइज का होता है और नीचे का थोड़ा सा कॉनकेव शेप का होता है। लेकिन जब भी हमारे चेस्ट में लेफ्ट साइड में रहता है तो उसका ऊपर का साइड थोड़ा सा नीचे आया रहता है और नीचे का बेस थोड़ा सा ऊपर गया रहता है। इस पोजीशन में ये हार्ट हमारे चेस्ट के बीचों बीच लोकेट रहता है, फिट रहता है। ठीक है, तो हार्ट कहाँ रहता है? बिटवीन द टू लंग्स। ठीक है, और इसका वजन 300 ग्राम या 250 ग्राम हो सकता है मेल फीमेल के कंपेरेटिव में। हम इसको क्या बोल सकते हैं? पंपिंग ऑर्गन भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? पंपिंग ऑर्गन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये ही ऐसा ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को। जैसे हमारे घर में वाटर पंप होता है, वो पानी को पंप करके ऊपर टंकी में चढ़ाता है तो फोर्स देता है पानी को, उसी तरह से हार्ट भी ब्लड को फोर्स देता है जिसकी वजह से फोर्सफुली वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। और उसी फोर्स को अगर हम कैलकुलेट करने जाए या मेडिकल टर्म्स में बोलने जाए तो उसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हार्ट। तो हमने हार्ट के बारे में भी ये सब कुछ देख लिया। अब हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव देखते हैं हार्ट के बारे में। तो डिस्क्रिप्टिव में हम देखेंगे कि हार्ट जो होता है वो तीन मसल्स जो बने रहते हैं तो उसका जो वॉल होता है हार्ट वॉल, वो जिस मसल से बना रहता है वो हार्ट वॉल में होती है। अगर हम एक हार्ट को कंसीडर करते हैं तो उस हार्ट का वॉल को अगर कट कर ले तो उसके वॉल उसके दो पार्ट में बने होते हैं। जैसे अगर हम पहला पार्ट कंसीडर करते हैं तो ये हो गया पेरिकार्डियम और दूसरा होता है हार्ट वॉल। इस तरह से उसका डिवाइडेशन किया हुआ है। तो चलो हम इसका एक तरह से क्लासिफिकेशन देखते हैं और हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों अब हम देख रहे हैं देयर इज द टू लेयर। हार्ट वॉल कंसिस्ट टू लेयर। ठीक है,
पहला पेरिकार्डियम, दूसरा हार्ट वॉल। अब हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं पहले पार्ट को। तो हमारा पहला पार्ट है वो है पेरिकार्डियम। चलो लिख ही देते हैं यहाँ पे, हम पहला पार्ट लेते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट है। दिस फर्स्ट पार्ट आल्सो डिवाइडेड इनटू टू, फाइब्रस एंड सीरस लेयर, फाइब्रस लेयर एंड सीरस लेयर। ये पेरिकार्डियम जो पार्ट है, ये पार्ट के और दो पार्ट गिरते हैं, फाइब्रस लेयर और सीरस लेयर। तो मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर सपोज हमने जो वहाँ पे मैंने कट करके बताया, वो कट करके हमने इस तरह से उसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, तो इसके इस तरह से क्या हो गए, दो पार्ट हो गए, ठीक है। अब पहला पार्ट हमारा जब इसको कंसिडर करते हैं, तो ये हो गया हार्ट वॉल और ये हो गया हमारा क्या, पेरिकार्डियम। ये हो गया हमारा पेरिकार्डियम, ठीक है, ये हो गया पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम में भी क्या बताया मैंने कि दो लेयर फॉर्म होती है, पेरिकार्डियम में भी क्या बताया मैंने, दो लेयर फॉर्म होती है। तो चलो हम इसको क्या करते हैं, दो लेयर में फॉर्म कर देते हैं। ये हो गए दो लेयर। अब जो ये साइड की जो लेयर है, ये वाली होगी हमारी फाइब्रस लेयर और ये साइड की होगी हमारी सीरस लेयर। तो इसको इस तरह से लेते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे दो लेयर, ठीक है, किसके, पेरिकार्डियम के, फाइब्रस लेयर एंड सीरस लेयर। अब हम सीरस लेयर के भी दो टाइप देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सीरस लेयर के दो टाइप, ठीक है। पराइटल एंड विसरल, इसके भी दो टाइप देखे। अब मैं सीरस लेयर की बात कर रहा हूँ, तो सीरस लेयर में मैंने यहाँ पे पहले ही पार्टीशन दिया है। तो जो ये लेयर जो कंसिडर करेंगे अपन, तो ये होगी कौन सी, पराइटल, और ये हो गई कौन सी, विसरल। ऐसे दो लेयर, किसके, सीरस के। अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ, ये फाइब्रस लेयर है, ये सीरस लेयर है। सीरस लेयर के दो पार्ट है, पराइटल एंड विसरल। अब ये जो मैंने यहाँ पे लाइन बनाई है, इस जगह पे एक तरह का स्पेस फॉर्म होता है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली ऐसे शो करेंगे, तो ये हो गई हमारी फाइब्रस लेयर, उसके बाद यहाँ से चालू हो गई हमारी सीरस लेयर, ये हो गई सीरस लेयर। अब ये तीन लेयर हमारे पास है, इसमें भी दो लेयर मैंने कंसीडर की है, कौन सी, पराइटल एंड विसरल। तो इसमें मैंने दो लेयर कंसीडर की है, यह है पराइटल, यह है विसरल, और ये हो गई सीरस और ये हो गई फाइब्रस। अब इन दोनों के बीच में स्पेस है, इन दोनों के बीच में स्पेस है। इस स्पेस में एक फ्लूड होता है, जो फ्लूड करीब 50 ml इतना क्वांटिटी में हो सकता है। ये फ्लूड का नाम है विसरल फ्लूड, इसका नाम है विसरल फ्लूड। और ये जो स्पेस होता है, ये विसरल स्पेस होता है, ये स्पेस जो होता है विसरल स्पेस होता है, और इसमें होता है लिक्विड। ये लिक्विड का काम होता है, जब हार्ड कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, तब उसको फ्रिक्शन से बचाना, उसके हार्ट वॉल को डैमेज होने से बचाना, उस हार्ट वॉल को मॉइस्ट रखना, उसको नरिशमेंट देना, जिसकी वजह से हार्ट वॉल डैमेज ना हो। क्योंकि इसके बाद क्या चालू होता है, मायोकार्डियल लेयर, मतलब हार्ट वॉल चालू होता है। इसके बाद क्या चालू होता है, हार्ट वॉल चालू होता है। तो इनके काम है कि जो भी कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्शन हो रहा है, उसके वक्त वो सर्कुलेट होना, वो फ्लूड पूरे हार्ट के लेयर में, स्पेस में, और उसे फ्रिक्शन से बचाना, उसको डैमेज से बचाना, और उसका कॉन्स्ट्रिक्शन करने में उसको हेल्प करना, ये इसका काम होता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, मतलब वॉल ऑफ द हार्ट। वॉल ऑफ द हार्ट में हम देख रहे हैं कि दो पार्ट है, पहला है पेरिकार्डियम और दूसरा है हार्ट वॉल। पेरिकार्डियम के दो पार्ट देखे हमने, फाइब्रस और सीरस। सीरस के भी हमने दो पार्ट देखे, पराइटल एंड विसरल। पराइटल विसरल के बीच में एक गैप होता है, स्पेस होता है, जिसमें एक लिक्विड होता है। वो लिक्विड का काम है कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्शन के बाद हार्ट के वॉल को बचाना,
प्रिवेंट करना और उसको फ्रिक्शन से बचाना, और पूरा वॉल में वो स्पेस में वो लिक्विड सर्कुलेट होता है और उसके कॉन्स्ट्रिक्शन वॉल को या मसल्स को डैमेज से बचाता है। यह आज तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हार्ट वॉल। अब हार्ट वॉल के हमारे पास तीन पार्ट है, हार्ट वॉल के हमारे पास तीन पार्ट है, तो मैं यहाँ पे सब पार्ट लिख देता हूँ। एक है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट वॉल। हार्ट वॉल जिसमें हमने तीन लेयर देखे थे, तो पहली लेयर हमारी कौन सी है, एपिकार्डियम। कौन सी है, एपिकार्डियम, विच लेयर स्टार्टेड फ्रॉम द एंड ऑफ विसरल लेयर। विसरल लेयर जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से जो हार्ट वॉल चालू होता है वो पहली लेयर ही क्या है बच्चों, एपिकार्डियम है। क्या है, एपिकार्डियम है। इट इज द आउटर लेयर बोल सकते नहीं, आउटर लेयर तो हमारी ये है कौन सी, पेरिकार्डियम, वो आउटर लेयर हो गई। क्योंकि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये आउटर लेयर उस हमारे थोरैसिस केज के रिब्स को टच होती है, जिससे उसमें फ्रिक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ये पेरिकार्डियम लेयर क्या करते हैं, हार्ट को या उसके इनर वॉल लेयर को डैमेज करने से बचाने के लिए आउटर लेयर बनी हुई है, तो आउटर लेयर होगी पेरिकार्डियम। तो हमारे हार्ट वॉल की पहली लेयर होगी एपिकार्डियम, विच मेड अप विद द स्क्वैमस एपिथेलियल, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई फ्लैट सेल से बनी हुई हमारी एपिकार्डियम लेयर होती है। और ये जो स्क्वैमस एपिथेलियल जो होते हैं वो क्लोजली पैक रहते हैं एक दूसरे के साथ, बेसमेंट के ऊपर लाए रहते हैं, और क्लोजली पैक होने की वजह से उनके बीच का जो दो सेल के बीच की जो गैप रहती है वो बहुत ही कम या मिनिमम रहती है, क्योंकि उनका जो मैट्रिक्स रहता है वो मिनिमम रहता है, नहीं के बराबर रहता है, इसकी वजह से क्लोजली पैक रहते हैं वो सेल एक दूसरे के साथ। तो ये हो गया स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई क्लोजली पैक लेयर होती है, जिनका मैट्रिक्स बहुत ही मिनिमम नहीं के बराबर होता है और बेसमेंट पे लाए रहती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये होता है कि अगर इस तरह की लेयर अगर पैक लेयर बनती है तो कॉन्स्ट्रिक्शन के वक्त वो डैमेज ना हो, फटे नहीं, या फिर उसमें किसी तरह का होल फॉर्म ना हो, इस तरह से लेयर बनी रहती है, जिसकी वजह से कितना भी कॉन्स्ट्रिक्शन वो करते रहे उसके वजह से वो डैमेज ना हो। अगर डैमेज हो जाती है तो हार्ट के अंदर जो ब्लड जा रहा है वो डैमेज होने की वजह से बाहर आना चालू हो जाएगा और कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा, मसल्स डैमेज हो जाएंगे और हार्ट बंद हो जाएगा। तो जब हम पैदा भी होने को रहते हैं तब से हार्ट वर्क करना चालू करता है, तो हमारे मरने तक कंटिन्यू हार्ट वर्क करते रहता है। हम जितने साल जिंदा रहेंगे उतने साल बिना रुके हार्ट वर्क करता है। तो ये वर्किंग कंडीशन उसकी कंटिन्यूसली रहे और उसको कोई डैमेज ना हो, इसलिए उसकी लेयर वॉल इसी तरह से बनी हुई रहती है, क्लोजली पैक एपिथेलियल टिश्यू से मिनिमम मैट्रिक्स वाले लेयर से। समझ में आ गया। अब सेकेंड लेयर हमारी वो है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम लेयर मेड विद द कार्डियक मसल्स, मायोकार्डियल लेयर मेड विद द कार्डियक मसल्स। ये कार्डियक मसल से बनी हुई मायोकार्डियल लेयर होती है, इसमें कार्डियक मसल्स होते हैं। ये ऐसे मसल्स होते हैं जो बॉडी में कहीं जगह पाए नहीं जाते, सिर्फ हार्ट में ही पाए जाते हैं, इसलिए इन मसल्स का नाम दिया है कार्डियक मसल्स, इसलिए इनका नाम दिया है कार्डियक मसल्स। तो ये हो गई बच्चों हमारी कार्डियक मसल्स जो मायोकार्डियल लेयर में पाई जाती है। हार्ट को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, हार्ट को रिलैक्स करना और रिदमिक कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने में इस लेयर का बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों, क्योंकि यही लेयर है, यही मसल्स है जो हार्ट को वर्किंग कंडीशन में कंटिन्यूसली रखते हैं। अगर किसी कारणवश इस मसल को कुछ हो जाए, तो डैमेज हो जाए, इनका टोन बिगड़ जाए या इनका उनमें फटिक आ जाए, जिसकी वजह से इनका कॉन्स्ट्रक्शन डिस्टर्ब हो जाए, तो ये मसल्स काम करना बंद कर देंगी, तो हार्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि ये मसल्स ही है जिसकी वजह से हार्ट कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और रिलैक्सेशन करता है, मतलब पंपिंग करता है। ठीक है बच्चों, तो कार्डियक मसल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स विच फाउंड ओनली ऑन हार्ट, सो दैट द नेम इज गिवन
कार्डियक मसल्स. ओके, दिस कार्डियक मसल्स इन्वॉल्व इन द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, तो वो हो गए हमारे कार्डियक मसल्स. वे पेशल टिश्यू से बनी होते हैं, पेशल मसल से बनी होती है. इनमें इस तरह से नोड्स होते हैं, जो नोड्स क्या करते हैं, इम्पल्सेस फास्टली ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से एक इम्पल्स अगर आ जाए तो फास्टली पूरे मसल्स में ट्रांसमिट हो जाता है और उसी वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बहुत जल्दी हो जाता है. तो पूरा कार्डियक साइकिल एक मिनट के पहले ख़त्म हो जाता है, एक सेकंड के पहले ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मसल्स बहुत ही फास्ट करते हैं, इम्पल्सेस बहुत ही फास्टली ट्रांसफर करते हैं. अब हमारा तीसरा पॉइंट है, वो है एंडोकार्डियम. एंडोकार्डियम लेयर इट इज आल्सो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट. इट इज अ इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट स्पेशली मेड अप विद द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. स्पेशली मेड अप विद द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. दिस इज ऑल्सो क्लोजली पैक विथ इच अदर. द मिनिमम मैट्रिक्स सो मिनिमम एंड द बेसमेंट लाई ऑन दिस टिश्यू. मतलब ये लेयर इस तरह से इसलिए बनी होती है कि जब फोर्सफुली ब्लड अंदर चैम्बर में आता है तो उसके फोर्स से वो इनर लेयर जो होती है वो डैमेज ना हो और उसका इलास्टिसिटी एज इट इज रहे. जितना भी ब्लड है उसको वो वजह से वो रिलैक्स होकर कॉन्स्ट्रिक्स करती रहे. कंटिन्यूसली कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन की वजह से भी उसको कुछ ना हो, इसी वजह से ये स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बने हुए दो लेयर रहते हैं, कार्डियम एंड एंडोकार्डियम. कौन से क्लोजली पैक सेल मैट्रिक्स इज मिनिमम लाइ ऑन द बेसमेंट. दिस नोन एज द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू मेड बाय दिस. ये दोनों लेयर का काम वही होता है कि कितना भी फोर्सफुली ब्लड अगर चैम्बर में आता है, जिसकी वजह से स्ट्रेसनेस अगर आता है तो डैमेज ना हो, फटे नहीं, रप्चर नहीं हो और उतना कॉन्स्ट्रिक्शन वो रिलैक्सेशन के बाद उसी तरह से वर्क करते रहे कंटिन्यूसली. इसी लेयर से ये बनी होती है, कौन सी, एंडोकार्डियम. तो तीन लेयर हो गए अपने बच्चों, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. तो हार्ट के कितने लेयर्स है, दो. पहला है पेरिकार्डियम और दूसरा है हमारा हार्ट वॉल. पेरिकार्डियम में हमने दो लेयर देखे थे, कौन से, फाइब्रस एंड सीरस. सीरस के दो लेयर थे, पैराइटल एंड विसरल. ये हो गया हमारा पेरिकार्डियम. नेक्स्ट हार्ट वॉल. हार्ट वॉल के तीन, कौन से, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. यहाँ तक समझ में आ गया. अब हम नेक्स्ट लेते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. ह्यूमन हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ फोर चैम्बर, टू एट्रियल एंड टू वेंट्रिकल. अगर हम एक्सटर्नल चैम्बर की बात करते हैं, एक्सटर्नली हार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हार्ट स्ट्रक्चर को डिवाइड किया है दो पार्ट में, एक है एट्रियल और दूसरा है वेंट्रिकल. एट्रियल एंड वेंट्रिकल दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया एक्सटर्नली भी. और इनको डिवाइड किया जाता है, इनको डिवाइड करने वाला है वो है कोरोनरी सल्कस. कोरोनरी सल्कस, दिस इज अ एक्सटर्नल हार्ट डायग्राम इन विच आई शो हियर कोरोनरी सल्कस. ये कोरोनरी सल्कस है जिसने क्या किया है, दो पार्ट डिवाइड किया है, एक एट्रिया को और एक वेंट्रिकल को. इसने दो पार्ट डिवाइड किया है, एट्रिया को और वेंट्रिकल को. तो एट्रियल और वेंट्रिकल को एक्सटर्नल डिवाइड करने वाला जो पार्ट है वो है कोरोनरी सल्कस. और इसी कोरोनरी सल्कस में क्या रहती है, कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन अटैच रहती है. इसी सल्कस में कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन अटैच रहती है जो हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करती है, जिसकी वजह से हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट होता है. उसके बाद वेंट्रिकल जो पार्ट होता है, इस वेंट्रिकल पार्ट को भी डिवाइड करने वाला पार्ट होता है इंटर वेंट्रिकुलर सल्की. ये इंटर वेंट्रिकुलर सल्की जो होता है, इसका काम होता है एंटीरियर पोस्टीरियर साइड में वेंट्रिकल को डिवाइड करना. एंटीरियर पोस्टीरियर साइड में वेंट्रिकल को डिवाइड करना, इसीलिए इसको एंटीरियर
पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कि भी बोलते हैं। ये क्या करता है, वेंट्रिकल पार्ट को डिवाइड करता है, और ये क्या करता है, एट्रिया वेंट्रिकल को डिवाइड करता है। इसी में क्या रहता है सल्कस में कि आवर्टा मेन आर्टरी स्टार्ट होती है और मेन पल्मोनरी वेन्स भी वहाँ से स्टार्ट होकर निकल जाती है इसी ग्रू एरिया। दिस इज एंटेरियर सरफेस ऑफ हार्ट। इसमें यहाँ पे जो ये पार्ट दिया हुआ है ये है पल्मोनरी ट्रंक। इसमें आवर्टा अराइज होता है, पल्मोनरी आर्टरी भी इसी में अराइज होती है। तो ये हो गया एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट। तो हम हार्ट के क्या देख रहे हैं, एक्सटर्नल पार्ट देख रहे हैं। अगर एक्सटर्नल पार्ट में हम देखते हैं तो उसमें पार्टीशन होते हैं जो एंटीरियर एट्रियल और वेंट्रिकल को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब एट्रियल वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला जो पार्टीशन है उसका नाम है कोरोनरी सल्कस। और ये क्या करता है, एट्रिया को अलग कर देता है, वेंट्रिकल को अलग कर देता है एक्सटर्नली। उसके बाद अगर वेंट्रिकल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे भी पार्टीशन दिखता है जो राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग अलग कर रहा है, तो उसका नाम क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सल्की, जो एंटेरियर पोस्टेरियर पार्ट की तरह ऐसे डिवाइड हो गया रहता है। अब इसका एंटेरियर सरफेस की तरफ चलते हैं किसके, हार्ट के। तो वहाँ पे हमको एक ऐसा फूला हुआ पार्ट दिखता है जिसको नाम दिया है पल्मोनरी ट्रंक, जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी आओर्टा पल्मोनरी वेन स्टार्ट होके ऊपर बने हुए रहते हैं। तो ये हो गया एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल पार्ट में जो इंटरवेंट्रिकुलर सल्की है उसके पास में और कोरोनरी सल्कस में क्या मिलता है, हमें कोरोनरी आर्टरी मिलती है। क्या मिलती है, कोरोनरी आर्टरी। दिस आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द आउटर मस्कुलर लेयर ऑफ हार्ट विच गिव सप्लीमेंट टू द हार्ट मसल्स। ड्यू टू दैट मसल्स कंप्लीटली कॉन्स्ट्रिक्ट एंड रिलैक्स। ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये आउटर सरफेस पे आई हुई रहती है और ये क्या करती है, हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करती है, जिसकी वजह से ब्लड के सप्लाई में से उसको नरिशमेंट मिलती है और हार्ट हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन करते रहता है, ठीक है। इसी में भी वेन भी अटैच रहती है, कोरोनरी वेन, जो आर्टरी से आने वाले ब्लड को एब्सॉर्ब करके वापस वेना कावा में छोड़ देती है। इसके बेस में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमको इंफीरियर वेना कावा दिखता है और ऊपर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे सुपीरियर वेना कावा हमें दिखता है। अब इंफीरियर वेना कावा का काम ये होता है कि हार्ट के लेवल के नीचे का जो ब्लड है वो कलेक्ट करके हार्ट तक लेके आती है, और हम अगर सुपीरियर वेना कावा को देखते हैं तो इसका काम ये होता है कि हार्ट के लेवल के ऊपर से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में छोड़ती है। अब हम आवर्टा के बारे में बात करेंगे तो आवर्टा का काम ये होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट में आया हुआ है उसको वो वहाँ से ले जाके बॉडी पार्ट तक छोड़ देते हैं। और अगर हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं तो डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आता है हार्ट में उसको वापस लंग्स में छोड़ने का काम करती है। और उसके बाद हम पल्मोनरी वेन की बात करते हैं तो पल्मोनरी वेन का काम ये होता है कि लंग से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके हार्ट में आती है। तो यहाँ पे इस तरह से ये एक्सटर्नल अरेंजमेंट है। अब आप बोल रहे होंगे कि वासनिक सर ने तो बोला कि पल्मोनरी आर्टरी डी ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आती है लंग से हार्ट तक। तो भैया आर्टरी तो ऑक्सीजन वाला लेके जाती है और वेन तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा काम है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अगर लंग्स तक लेके जो जाती है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, और लंग से ऑक्सीजन वाला ब्लड जो हार्ट तक लेके आती है उसका नाम है पल्मोनरी वेन। इस तरह से उल्टा है थोड़ा सा, नहीं तो पूरे बॉडी पार्ट में आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है जैसे आवर्टा हो गया, और वेन क्या करती है, डी ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आती है जैसे वेना कावा हो गया, ठीक। तो ये हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हमने अब तक देखे थे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, अब हम देख रहे हैं इंटरनल, तो जिसकी डायग्राम मैंने यहाँ पर रफली निकाली है। ये रफ डायग्राम मैंने निकाल के इसलिए बताई है ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा खुला खुला करके बताया है।
ठीक है। तो हम इसको कंसीडर करते हैं, ये राइट साइड है बच्चों, और इसको कंसीडर करते हैं, ये लेफ्ट साइड है। अब मैं यहाँ पे नंबरिंग दूंगा और जिसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट साइड और यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट साइड, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं। अब मैं नंबर वन देता हूँ, तो नंबर वन पे इसको देते हैं अपन नंबर वन, एक दूसरा इसको देते हैं नंबर दो, मैं सिर्फ राइट साइड लेकर आऊँ बेटा। उसके बाद इसको देते हैं नंबर तीन, हो गया। इसको बाद देते हम इसको नंबर चार, मैंने यहाँ पे चार नंबर दिए। अब उसके बाद देते हैं नंबर पाँच और इसको देते हैं नंबर छः। हमने सिर्फ राइट साइड कंसीडर कर लिए, अब राइट साइड में हमने नंबर दिए छः, हो गया। अब हम नंबर वन पे देखते हैं, जो मैंने यहाँ पे क्रॉस किया है, ये क्रॉस को मैंने नंबर वन दिया है। ये क्या है? ओपनिंग है, नंबर वन ओपनिंग ऑफ, किसकी ओपनिंग है बेटा? वैनाकावा की। किसकी ओपनिंग है? वैनाकावा की। तो हमने नंबर वन पे ओपनिंग दिए वैनाकावा की, जो वैनाकावा कहाँ पे आ रहा? राइट साइड के चेंबर में ओपन हो रहा। अब दूसरे नंबर पे हमने नंबर दिए है, तो सेकंड नंबर हम लिखते हैं वो है एट्रिया, सॉरी राइट एट्रिया। कौन सा एट्रिया? हमारा राइट एट्रिया या एट्रियल, ठीक है, ये हमारा राइट एट्रियल हो गया या एट्रिया हो गया नंबर दो पे। अब नंबर तीन पे हम देखते हैं, तो हमारा नंबर तीन क्या है? ये है, ये क्या है? वेंट्रिकल है। कौन सा? राइट वेंट्रिकल। तो उसे नंबर तीन देते हैं हम और लिखते हैं हम राइट वेंट्रिकल, हो गया। अब नंबर चार है, इसको क्रॉस को मैंने नंबर चार दिया है। ये क्या है? ये है ओपनिंग ऑफ, क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। अब उसके बाद नंबर पांच पे हम देखते हैं, क्या दिया मैंने? वैनाकावा। कौन सा? इन्फेरियर, इन्फेरियर वैनाकावा। अब उसके बाद नंबर क्या है? सिक्स, वो नंबर क्या है? सुपेरियर वैनाकावा। ठीक है, अब मैंने सिर्फ कौन सा साइड दिया है? राइट। मैंने कौन सा साइड दिया? सिर्फ राइट। लेफ्ट का हम थोड़ा साइड में रखते हैं, राइट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब क्या होता है, मैंने बताया सुपेरियर वैनाकावा भी ब्लड लाती है, इंपीरियर वैनाकावा भी ब्लड लाती है। जब दोनों वैनाकावा की ओपनिंग हमारे एट्रिया में होती है, जिसके द्वारा यहाँ पे ब्लड आता है। जब यहाँ पे ब्लड जमा हो जाता है किसमें? एट्रियल में, राइट एट्रियम में, तब यहाँ पे एक वॉल होता है, जो वॉल क्लोज होता है, जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल। इसको ट्राइकस्पिड वॉल बोलने की वजह यह है कि इसमें तीन होते हैं। इसमें कितने कप्पे होते हैं? तीन, तीन दरवाजे होते हैं, तीन पल्ले होते हैं, पल्ले बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है बच्चों? तीन पल्ले होते हैं, तो तीन पल्ले होते हैं इसलिए नाम दिया ट्राइकस्पिड वॉल। ये दरवाजा, ये दरवाजा बंद हो जाता है तब यहाँ पे ब्लड भरता है, कहाँ पे? एट्रियल में। फिर ये दरवाजे ओपन हो जाते हैं, जैसे ही दरवाजे ओपन हो गए, ब्लड कहाँ पे आ जाता है? वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल में आते बराबर दरवाजा फिर से बंद हो जाता है, ब्लड गया, दरवाजे बंद हो गए, तो ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो गया। अब ब्लड कहाँ पे आया? वेंट्रिकल में। कौन से? राइट वेंट्रिकल में। अब जो ब्लड यहाँ से आने के बाद ये वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक होता है, और दबाव के कारण वो ब्लड कहाँ पे जाता है? यहाँ पे, मतलब कहाँ पे गया? वो ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, मतलब वो पल्मोनरी आर्टरी में गया, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद वो क्या हो गया? लंग्स में पहुँच गया। अब यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा ब्लड होता है? राइट साइड में जो ब्लड आ रहा है वो आ रहा है CO2। कौन सा ब्लड आ रहा है? CO2, मतलब डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड आ रहा है। कहाँ पे? राइट साइड में। तो वैनाकावा वेन है, क्या कर रही है? डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड लेके आ रही है हार्ट में। वो आ गया हार्ट में, छोड़ दिया,
यहाँ से गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से गया पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग्स में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम जाएंगे लेफ्ट के तरफ। अब हम गए लंग्स में, अब लंग्स से ब्लड वापस आ रहा है हार्ट में, क्योंकि डबल सर्कुलेशन है। तो ये जब हार्ट में आ रहा है तो उसे लेके कौन आ रही है? नंबर वन देंगे हम उसको पल्मोनरी वेन। ये उसको लेके आई, कहां पे लेके आई? कहां पे वो लेके आई उसको? लेफ्ट एट्रियल में। अब लेफ्ट एट्रियल में भी वॉल होते हैं, लेकिन ये दो वॉल होते हैं, तो दो वॉल का नाम है बाइकस्पिड वॉल। ये बंद होते हैं, तब यहाँ पे ब्लड आ गया। अब ब्लड वापस कहाँ से जाएगा, कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। अब हम इसका नाम नंबर दे, यहाँ पे आ रहा है, मतलब वो आ रहा है कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा, कहाँ पे जा रहा है वो? यहाँ पे। तो हम इसको नंबर देंगे 5। 5 मतलब ये क्या हो गया? ओपनिंग ऑफ आवर्टा, ओपनिंग ऑफ आवर्टा। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ब्लड आ गया लंग्स में, लंग्स से कहाँ पे आ गया? पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियल में। लेफ्ट एट्रियल से कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि ये वॉल ओपन हो गया। पहले यहाँ था तो वॉल बंद थे, उस वॉल का नाम है बाइकस्पिड वॉल। बंद था, ब्लड इसमें जमा हो गया। अब ये ब्लड वहाँ से कहाँ आ रहा है? वेंट्रिकल में आ रहा है। अब वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आ गया, वॉल बंद हो गया, क्लोज हो गया, वेंट्रिकल में ब्लड जमा हो गया, एट्रियल एम्प्टी हो गया। अब वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है और ब्लड को पुश कर रहा है कहाँ पे? इस ओपनिंग में, जिसका नाम है ओपनिंग ऑफ आवर्टा। अब ये जो ब्लड आ रहा है, ये कौन सा ब्लड है? O2 ब्लड है, ऑक्सीजन वाला। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आई? पल्मोनरी वेन एट्रिया में, एट्रिया से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है? आवर्टा में, द बिग आर्टरी विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड द बॉडी पार्ट। ये बॉडी पार्ट तक वो लेके जा रही है। तो ये हो गया हमारा सिंपल 4 चैम्बर, 1, 2, 3, 4, जिस 4 चैम्बर में कई तरह के फंक्शंस होते हैं, जिसमें हार्ट में ब्लड आता है, जाता है, फिर से आता है, फिर से जाता है, तो 2 बार एंटर करता है, इसलिए इसको बोला है डबल सर्कुलेशन। आपको समझ में आ गया बच्चों? तो ये हो गया किस तरह से ब्लड कहाँ आता है। तो लेफ्ट राइट साइड में पूरा का पूरा CO2 वाला, तो लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा O2 वाला, और इसमें जो पार्टीशन दिया है, द पार्टीशन बिटवीन 2 वेंट्रिकल इज नोन एज सेप्टम। पार्टीशन बिटवीन 2 वेंट्रिकल नेम एज सेप्टम। 2 वेंट्रिकल को अंदर से पार्टीशित करने वाला जो पार्ट है, उसका नाम है सेप्टम। तो यहाँ पे हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जहाँ पे वेना कावा की ओपनिंग है, जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग है, जहाँ पे आवर्टा की ओपनिंग है, जहाँ पे पल्मोनरी वेन की ओपनिंग है, मतलब 4 ब्लड वेसल की ओपनिंग है। 2, एक एट्रिया में, एक वेंट्रिकल में, एक एट्रिया में, एक वेंट्रिकल में। ये एट्रिया की ओपनिंग है, ये वेंट्रिकल की ओपनिंग है, ये एट्रिया की ओपनिंग है, ये वेंट्रिकल की ओपनिंग है। ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में। ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आउट, सॉरी पल्मोनरी वेन से एट्रिया में, एट्रिया से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से आउटा में। तो इस तरह ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।